एक शब्द और अनेक शब्द, यानी एक ही शब्द से अनेक अर्थ कैसे निकलते हैं ये देखें, और साथ में डेली स्पीकिंग के सेंटेंस से कैसे बनते हैं ये देखें। प्ले, प्ले सब जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। प्ले माने होता है खेलना, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा अर्थ होता है प्ले का खेल। दे शुड टीच द चिल्ड्रन थ्रू प्ले, दे शुड टीच द चिल्ड्रन थ्रू प्ले, खेल के द्वारा बच्चों को उन्हें पढ़ाना चाहिए। उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, खेल के द्वारा, छोटे बच्चे हैं तो उनको छोटे बच्चों की तरह पढ़ाया जाना चाहिए, खेल के थ्रू, खेल के द्वारा। अगला अर्थ है प्ले का ही नाटक, द प्ले वॉज एक्सीलेंट, नाटक बहुत अच्छा था। तो प्ले के तीन अर्थ हुए, खेलना, खेल और नाटक, तीनों के मैंने सेंटेंस ये बना दिए। एक्सीलेंट होता है सबसे अच्छे को कहते हैं एक्सीलेंट। अब देखें और, प्ले बैक, पर्दे के पीछे से गाना। आपने जितने ही फिल्मों में गीत सुनते हैं वो लोग नहीं गाते, एक्टर्स कभी नहीं गाते हैं, बहुत ही कम ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना गाना स्वयं गाया है। जैसे किशोर कुमार साहब हुए हैं, उन्होंने अपना गाना स्वयं ही गाया है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए प्लेबैक किया जाता है सिंगर्स के द्वारा। पर्दे के पीछे से गाना, प्लेबैक, द सिंगर्स प्लेबैक फॉर द एक्टर्स, अभिनेताओं के लिए सिंगर्स यानी गीत गाने वाले गाना गाते हैं, जैसे किशोर कुमार हैं, मोहम्मद रफी साहब हैं, और लोग प्लेबैक करते हैं अर्थात पीछे से गाते हैं, वो से केवल होश चलाते हैं। तो किसी के लिए वो, किसी हीरो के लिए प्लेबैक करते हैं अर्थात पर्दे के पीछे से गाते हैं, द सिंगर्स प्लेबैक फॉर द एक्टर्स या हीरोज। प्ले एक्टिंग, अभिनय करना, ही प्लेज एक्टिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा अभिनय करता है, ही प्लेज एक्टिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा अभिनय करता है। प्ले अलोंग, खेलने के लिए सहमत होना, आई एम रेडी टू प्ले अलोंग विद हर, मैं उसके साथ खेलने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं टू प्ले अलोंग विद हर, उसके साथ खेलने के लिए मैं तैयार हूं। प्ले डाउन, कम महत्व करके आंकना किसी को, दूसरे व्यक्ति को कम महत्व करके आंकना, कम महत्व देना, द प्रिंसिपल ऑलवेज प्लेज मी डाउन, प्रिंसिपल हमेशा ही मुझे कम महत्व का आदमी समझता है और मुझे कम महत्व देता है, द प्रिंसिपल ऑलवेज प्लेज मी डाउन, प्ले डाउन माने कम करके आंकना, कम महत्व देना। प्ले ऑफ, ओ डबल एफ, प्ले ऑफ मुकाबला, जैसे दो टीमों के बीच मुकाबला है ये प्ले ऑफ कहलाएगा। द प्ले ऑफ बिटवीन टू कंट्रीज हैज बीन पोस्टपोन्ड, अर्थात स्थगित, पोस्टपोन्ड माने होता है स्थगित। द प्ले ऑफ, दो देशों के बीच जो मैच है, प्ले ऑफ है, मैच है, मुकाबला है, उसे स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। द प्ले ऑफ बिटवीन टू कंट्रीज हैज बीन पोस्टपोन्ड, अर्थात मैच को पोस्टपोन यानी स्थगित कर दिया गया है। प्ले ऑन, खेल जारी रखना, माय टीचर अलाउड मी टू प्ले ऑन, मेरे अध्यापक ने मुझे अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी कि मैं खेलता रहूं। द टीचर अलाउड मी टू प्ले ऑन, अध्यापक महोदय ने मुझे खेलते रहने की इजाजत दे दी। प्ले सेकंड फिडिल, इसका अर्थ होता है कि किसी का को दूसरे नंबर पर काम करना, अर्थात जैसे एक ही घर है, एक घर में कोई भी व्यक्ति पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर का व्यक्ति महत्वपूर्ण है, दूसरे व्यक्ति का वही इतना महत्व कम होता है।
तो इसको देखें, प्ले सेकंड फिडिल, महत्वहीन होना, कम महत्व का होना, शी कैन नॉट प्ले सेकंड फिडिल इन द फैमिली, वो दूसरे नंबर पर फैमिली में नहीं रहना चाहती, शी कैन नॉट प्ले सेकंड फिडिल इन द फैमिली, वो फैमिली में दूसरे नंबर पर अर्थात सबसे महत्वपूर्ण रहना चाहती है, वह दूसरे नंबर पर नहीं रहना चाहती। प्ले अप माने सताना, बच्चे अक्सर शैतानी करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, और छुट्टी हो जाए स्कूल की तो बहुत सताते हैं, कभी कुछ करते ही रहते। ही प्ले अप माने सताना, ड्यूरिंग द समर वेकेशन द चिल्ड्रन प्ले अप द पेरेंट्स, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे माँ बाप को सताते हैं। सताने का मतलब वैसा नहीं है, सताने का मतलब कभी कुछ करना इस तरीके से है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे क्या करते, खेलते कूदते शोर मचाते, तो इसलिए माँ बाप को परेशानी होती, माँ बाप को परेशान करते हैं इस तरीके से, सताते हैं, परेशान करना। प्ले विद माने सोचना भी होता है। ही इज प्लेइंग विद द आइडिया ऑफ रीस्टार्टिंग द बिजनेस, ही इज प्लेइंग विद द आइडिया, वह यह सोच रहा है कि वो अपने बिजनेस को पुनः शुरू कर दे। ही इज प्लेइंग विद द आइडिया ऑफ रीस्टार्टिंग, रीस्टार्ट माने पुनः शुरू करना, द बिजनेस माने व्यापार, वह अपने व्यापार को पुनः शुरू करने की सोच रहा है। प्ले विद माने सोचना, प्ले विद द आइडिया तो बिल्कुल क्लियर है, सोचना। प्ले हाउस, अब प्ले हाउस भी होते हैं, वो उसमें खेल घर होते हैं, उसमें तरह तरह का खेलने का सामान होता है। प्ले हाउस माने खेल घर, खेलने का घर। ए प्ले हाउस शुड बी लार्ज, बच्चों के खेलने का घर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बच्चों का खेलने का या नाटक करने का जो जगह होती है वो बड़ी होनी चाहिए। प्लेमेट माने होता है खेल का साथी, जो हमारे साथ खेलते हैं उनको प्लेमेट कहते हैं। ही हैज बीन माई प्लेमेट, जब मैं खेलता था तो मेरे साथ था, अर्थात वो मेरा खेल का साथी रहा है। ही हैज बीन माई प्लेमेट, अर्थात वह मेरा खेलने का साथी रहा है, मैं उसके साथ खेला करता था। प्लेफुल माने चुलबुला, मजाकिया। माई फ्रेंड इज ऑलवेज ए प्लेफुल मूड, माई फ्रेंड इज ऑलवेज इन ए प्लेफुल मूड, मेरा दोस्त हमेशा ही चुलबुलापन करता रहता है, अर्थात मजाक करता रहता है, बहुत मजाकिया है, मजाक करता रहता है, कुछ ना कुछ चुलबुलापन करता रहता है। अब इसके बाद एक सेंटेंस, मुझे हमेशा एक खटका सा लगा रहता है, मुझे हमेशा एक खटका सा लगा रहता है। इस पर यदि हम ध्यान दें, खटके का अर्थ यहां पर क्या होगा, खटके का अर्थ होगा डर। मुझे हमेशा एक खटका लगा रहता है। आई ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज की हिंदी है हमेशा। आई ऑलवेज हैव ए फियर, मुझे हमेशा डर लगा रहता है। आई ऑलवेज हैव ए फियर इन माई माइंड, मेरे दिमाग में हमेशा एक डर लगा रहता है। इसका अर्थ है मुझे हमेशा एक खटका लगा रहता है। देखें इसको, देयर इज नथिंग लाइक पॉवर्टी ऑन अर्थ, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के बराबर इस संसार में कोई दुख नहीं है। ऐसा माना जाता है मनी इज गॉड ऑन अर्थ और नेक्स्ट टू गॉड, अर्थात धरती पर भगवान माना जाता है पैसा। तो देखें इसको, यदि आप अपनी अंग्रेजी और भी बेहतर करना चाहते हैं, आसपास के लोगों से और भी अच्छी करना चाहते हैं कि हमें लोग अंग्रेजी में
कुछ समझें माने तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं sharpcareer.com पर। वहाँ मेरी वीडियोज हैं, ब्लॉग्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।